राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या नगरी सज धज कर तैयार है। मंदिर के शिखर समेत पूरे परिसर को रंग बिरंगे फूलों से सुसज्जित किया गया है। वीवीआईपी मेहमानों का आना शुरू हो गया है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले पूरा शहर भी राममय हो चुका है। गलियां गलियां राम राम के उद्घोष से गूंज रही हैं। रामलला के नव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान के अंतिम चरण में विराजमान रामलला रविवार की शाम को राजाधिराज के रूप में प्रवेश करेंगे। इसके चलते आम श्रद्धालुओं के लिए दर्शन को रोक दिया गया है, जो अब 22 जनवरी के बाद ही शुरू होंगे। सूचना के अनुसार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विराजमान रामलला को नए मंदिर के गर्भगृह तक पहुँचाएंगे। मेक शिफ्ट स्ट्रक्चर में रामलला की शनिवार की रात आखिरी हुई। इसके पहले आम दिनों की तरह रामलला के पूजन अर्चन का क्रम चलता रहा। हालांकि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के लिए लोगों का पहुंचना जारी हो गया है। रविवार को फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत अयोध्या पहुंच गई हैं। कंगना रनौत भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हनुमानगढ़ मंदिर दर्शन के लिए पहुँची है। प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के बीच रविवार को अयोध्या में शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में राम सीता और लक्ष्मण का किरदार निभा रहे कलाकारों को देखने के लिए लोगों में गजब का उत्साह नजर आया। चल रहे अनुष्ठान की श्रृंखला में शनिवार को नव्य दिव्य मंदिर में अर्श से लेकर फर्श तक 81 रजत कलशों के पवित्र जल का छिड़काव कर शुद्धिकरण किया गया। वैदिक मंत्रोच्चारण के बाद इस क्रिया के बाद राम मंदिर का भी अधिवासन शुरू हो गया। प्राण प्रतिष्ठा के आचार्य अरुण कांत दीक्षित ने कहा कि मंदिर के हर कण में देवताओं का वास होता है। उन देवताओं की दिव्य शक्ति के जागरण के लिए विग्रह के साथ साथ भवन के अधिवास का भी विधान है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शहर शहर जगह जगह भव्य आयोजन और कार्यक्रम हो रहे हैं। कहीं शोभा यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं बाइक रैलियां निकल रही हैं। भगवा रंग में रंगी अयोध्या का हाल भी कुछ इसी तरह का है। सुरक्षा व्यवस्था के बीच अयोध्या में भी कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, जिन्हें देखने के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा है। अयोध्या में होने वाली राम प्रतिष्ठा से पहले ही पूरा देश राममय हो गया है। राम भक्ति में डूबे हुए लोग राम की धुन पर थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। कानपुर की बेटी गुंतास ने राम को लेकर एक गाना गाया था, जो कि अब तेजी से वायरल हो रहा है। गुंतास एक रियलिटी शो की टॉप फाइनलिस्ट भी रह चुकी हैं। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब